निर्भया के दोषी जल्द ही फांसी पर लटकाए जाएंगे, हालांकि इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। अगर किसी दोषी ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेज दी तो कानूनी जानकारों के मुताबिक तारीख बढ़ सकती है, लेकिन इन सब के बीच तिहाड़ जेल ने चारों दोषियों से उनकी अंतिम इच्छा पूछी है। पहले 22 जनवरी सुबह 7 बजे और अब 1 फरवरी सुबह 6 बजे जब निर्भया के दोषियों को उनके किए की सजा के तहत फांसी दी जाएगी। हालांकि कानूनी पेचीदगियों में फंसे इस मामले में कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं फांसी की सजा को टालने के लिए, लेकिन जो तारीख मुकर्रर है उसके तहत तिहाड़ जेल प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, जिसके तहत अब निर्भया के दोषियों से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई है। जहां जेल प्रशासन के जरिए चारों दोषियों को एक नोटिस दिया गया है, जिसमें उनकी अंतिम इच्छा के साथ ही पूछा गया कि क्या 1 फरवरी से पहले अंतिम मुलाकात किससे करना चाहते हैं, किसको अपना वारिस बनाना चाहते हैं, कोई धार्मिक किताब पढ़ना चाहते हैं या किसी धर्म गुरु को बुलाना चाहते हैं, जिसे जेल प्रशासन 1 फरवरी को होने वाली फांसी से पहले कर सके। वहीं इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि अगर मुकेश के अलावा तीनों दोषियों में से किसी ने दया याचिका दायर कर दी तो मामला फिर कुछ दिन के लिए लटक सकता है और फिर फांसी के लिए एक नई तारीख तय की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।